कचरा प्रबंधन और रोजगार के अवसर। अपने जीवन को आरामदायक, सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए इंसान कई तरह की सेवाओं और वस्तुओं का उपयोग करता है। बदलते हुए समय के साथ बाजारवाद भी लोगों पर हावी हुआ है। यही कारण है कि आज हर क्षेत्र में नए कारखाने खुल रहे हैं। बोतल बंद पानी से लेकर हवाई जहाज तक बाजारवाद के तहत बनाए और बेचे जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन सभी सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के बाद उसे सही तरीके से नष्ट करने पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज भारत सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की सहायता से गांव-गांव में लोगों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक कर रही है। वेस्ट मैनेजमेंट को आय का प्रमुख साधन बनाने के लिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो कूड़ा कचरा है इसको हम वेस्ट न माने, वो वेल्थ है, एक रिसोर्स है। इसे सिर्फ गार्बेज के रूप में न देखें। एक बार इस कूड़े कचरे को भी हम वेल्थ मानना शुरू करेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट के कई नए नए तरीके हमारे सामने आएंगे। स्टार्टअप में जुड़े हुए नौजवान भी नए नए योजनाएं लेकर के आएंगे, नए नए इक्विपमेंट लेकर के आएंगे। भारत सरकार ने राज्य सरकारों की मदद के साथ, शहरों के जनप्रतिनिधियों की मदद के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान छेड़ना तय किया है। आज के समय में कचरा आय का प्रमुख साधन हो सकता है, इससे स्वयं का रोजगार शुरू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसान भाइयों को खाद खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि वो गीले कचरे से ही जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं। गीले कचरे से बनने वाला वर्मी कंपोस्ट न सिर्फ फसलों के लिए लाभदायक है बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी कारगर है। इसी तरह अखबार, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बोतल, शीशे के जार, एल्युमिनियम कैंस, मेटल टायर, कपड़ा व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को रीसाइकिल कर नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इस काम में सरकार लोगों की मदद भी कर रही है। लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण लेकर रीसाइकिल से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए फीस चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ट्रेनिंग के बाद बतौर पुरस्कार राशि 8,000 रुपए तक सरकार की ओर से दिया जाता है। यानी कि इस योजना के द्वारा आप 1 रुपया खर्च किए बिना भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी उद्देश्य से शुरू किया है कि लोग अपनी उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सकें। अपने 5 बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लगभग 750 से भी ज्यादा कोर्सेज शामिल किए गए हैं और पूरे भारत में 45,000 से भी अधिक ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस योजना में ग्रीन जॉब के तहत कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्य सीखकर स्वयं का रोजगार शुरू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ने के लिए आपके पास बस सामान्य से दस्तावेज होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर व पासपोर्ट साइज फोटो आदि। इस तरह से करें आवेदन। सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके लिए अपने वेब ब्राउजर में
www.pmkvyofficial.org ऑफिशियल्स वेबसाइट पर जाएं। यहां आपके सामने होम पेज खुलेगा जहां आपको क्लिक लिंक के ऑप्शन पर जाना है। इस ऑप्शन पर जाते ही आपके सामने स्किल इंडिया का विकल्प आएगा। इस विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको रजिस्टर एस ए कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन में आपको पूछी गई सभी जानकारियां भरनी हैं। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। आपका पंजीकरण फॉर्म जमा हो जाएगा। ध्यान रहे कि कचरे के प्रबंधन से ना सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। कचरा प्रबंधन का काम करें, पैसे कमाकर नाम करें।